क्या आप कभी जिंदगी की भागदौड़ में खुद को ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं? क्या आप हमेशा टाइम के पीछे भागते रहते हैं? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बर्डन आपके कंधों पर है। स्ट्रेस आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का एक अनवेलकम कंपेनियन बन गया है। यह हमारी नींद, हमारे रिश्तों और हमारी ओवरऑल वेलबींग को प्रभावित करता है। लेकिन क्या होगा अगर इस कैओस के बीच शांति पाने का कोई रास्ता हो? क्या होगा अगर एंशिएंट विजडम में एक काल्मर मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने की कुंजी हो? एकहार्ट टोले, जो एक रिनाउंड स्पिरिचुअल टीचर हैं, उनकी टीचिंग्स और स्टोइसिज्म के टाइमलेस प्रिंसिपल्स इनर पीस का एक पावरफुल पाथ प्रदान करते हैं, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी। एकहार्ट टोले, बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ नाउ के ऑथर, माइंडफुलनेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर जोर देते हैं। उनकी टीचिंग्स हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन ला सकते हैं। वे हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपना फोकस पास्ट की वरीज और फ्यूचर की एंजाइटीज से हटाकर प्रेजेंट मोमेंट पर रखें। यह शिफ्ट न केवल हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि यह हमें अधिक प्रोडक्टिव और फुलफिल्ड भी बना सकता है। पर्सपेक्टिव में यह सिंपल येट प्रोफाउंड बदलाव हमारे स्ट्रेस के एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर एस्पेक्ट को अधिक डीपली अप्रिशिएट कर सकते हैं। रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। दिस रियलाइजेशन कैन बी अ पावरफुल टूल इन ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी अप्रोच आवर डेली लाइव्स। मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। बाय डूइंग सो यू कैन अनलॉक अ सेंस ऑफ पीस एंड क्लैरिटी दैट इज ऑफ्टन इलूसिव इन आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। स्टोइसिज्म, जो एंशिएंट ग्रीस में शुरू हुआ एक फिलॉसफी है, हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए एक सिमिलर अप्रोच प्रदान करता है। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि हमें उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे थॉट्स और एक्शंस, और उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यह एक्सेप्टेंस हमें एक डीप सेंस ऑफ इनर पीस प्रदान कर सकता है, और उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यह एक्सेप्टेंस हमें एक डीप सेंस ऑफ इनर पीस प्रदान कर सकता है। We suffer more often in imagination than in reality. This insight from Stoic philosophy reminds us to stay grounded and not let our fears and anxieties take over. यह फिलॉसफी हमें प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करके और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने की अपनी अर्ज को छोड़कर ट्रैंक्विलिटी खोजने की सीख देती है। जब हम अपने थॉट्स और एक्शंस पर फोकस करते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक कंट्रोल और क्लैरिटी महसूस कर सकते हैं, और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने की अपनी अर्ज को छोड़कर हम अपने जीवन में एक नई शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह अप्रोच हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने इनर वर्ल्ड को मैनेज कर सकते हैं, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी क्योटिक क्यों ना हो। ट्रैंक्विलिटी खोजने की सीख देती है। ये एंशिएंट विजडम हमें मॉडर्न टाइम्स में भी गाइड कर सकती है, हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद कर सकती है। स्ट्रेस हमारी जिंदगी में कई तरीकों से प्रकट हो सकता है। यह एक अदृश्य बोझ है जो हमारे कंधों पर हमेशा रहता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। इसकी वजह से हमें रातों को नींद नहीं आती, हम बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और घड़ी की टिक टिक सुनते रहते हैं। रिश्तों में तनाव बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं और हम अपने प्रियजनों से दूर होते जाते हैं, और हमेशा ओवरवेल्म्ड रहने का एहसास होता है। काम का बोझ, जिम्मेदारियों का दबाव और समय की कमी हमें थका देती है। हम फिजिकली भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे हेडेक, मसल टेंशन या पाचन संबंधी समस्याएं। ये शारीरिक लक्षण हमारे मानसिक तनाव का परिणाम होते हैं। मेंटली स्ट्रेस हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकता है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते, फोकस करने में डिफिकल्टी पैदा कर सकता है, और हमें हमेशा चिंता और बेचैनी में डाल सकता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। यह एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। हम में से बहुत से लोगों को इस बारे में गलतफहमी है कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए। हम सोचते हैं कि इसे अनदेखा करना या इससे लड़ना ही एकमात्र उपाय है। हम इससे पावर थ्रू करने की कोशिश कर सकते हैं, खुद से कहते हैं कि हमें बस और ज्यादा मेहनत करने या ज्यादा डिसिप्लिन बनने की जरूरत है। लेकिन यह तरीका हमेशा काम नहीं करता। हम एक्सेसिव कैफीन, अल्कोहल या जंक फूड जैसी अनहेल्थी हैबिट्स में सॉलेस ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये आदतें हमारे स्ट्रेस को और बढ़ा सकती हैं। लेकिन पाते हैं
कि ये ज्यादा से ज्यादा टेम्पररी रिलीफ ही प्रोवाइड करा पाते हैं। ये अस्थायी समाधान है जो हमें लंबे समय तक राहत नहीं दे सकते। स्ट्रेस की ट्रू नेचर को समझना इसे इफेक्टिवली मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। हमें यह समझना होगा कि स्ट्रेस हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसे पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। इसे इफेक्टिवली मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। हमें हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स अपनाने होंगे, जैसे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइज। ये तरीके हमें स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद कर सकते हैं। टॉले की टीचिंग्स और स्टोइसिज्म दोनों के कोर टेनेट्स में से एक यह समझ है कि हम अपनी जिंदगी पर जितना सोचते हैं उससे कहीं कम कंट्रोल रखते हैं। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल नहीं कर सकते, और यह एक्सेप्टेंस हमें एक गहरी शांति की ओर ले जा सकता है। हम वेदर, ट्रैफिक या दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। यह चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और इन्हें एक्सेप्ट करना ही हमें स्ट्रेस से बचा सकता है। फिर भी हम अक्सर आउटकम्स को फोर्स करने की कोशिश में, लाइफ के नेचुरल फ्लो का विरोध करने में अपनी प्रीशियस एनर्जी बर्बाद करते हैं। यह रेजिस्टेंस हमें थका देता है और हमें हमारी इनर पीस से दूर कर देता है। व्हाटएवर यू फाइट यू स्ट्रेंथन एंड व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। यह कहावत हमें यह याद दिलाती है कि रेजिस्टेंस से हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं। कंट्रोल का यह इल्यूजन स्ट्रेस का एक मेजर सोर्स है। जब हम यह सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम खुद को एक इम्पॉसिबल टास्क के लिए सेटअप कर रहे होते हैं। जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री या हेल्पलेस भी फील करते हैं। ये इमोशंस हमें और भी ज्यादा स्ट्रेस में डाल देते हैं। द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल, द लेस कंट्रोल वी हैव। ये ही हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ दें और लाइफ की अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर लें? यह एक्सेप्टेंस हमें एक नई फ्रीडम दे सकता है। ऐसा करके हम खुद को एक नए तरीके से जीने के लिए ओपन करते हैं, ऐसा तरीका जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा पीसफुल और रेजिलियंट हो। यह हमें एक डीपर सेंस ऑफ कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस की ओर ले जा सकता है। Tolle's prescription for peace, living in the now. Tolle सिखाते हैं कि स्ट्रेस को दूर करने की की नाउ में पूरी तरह से प्रेजेंट होने में है। हमारे माइंड्स अक्सर पास्ट के बारे में थॉट्स या फ्यूचर की वरीज के वर्लविंड में खोए रहते हैं। हम पास्ट की मिस्टेक्स पर ड्वेल करते हैं या फ्यूचर की प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट करते हैं, जिससे अपने अंदर एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ अनईज बना रहता है। अपना अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर लाकर, अपनी ब्रेथ, अपनी सेंसेस, सिंपली बीइंग के एक्ट पर हम नेगेटिविटी के इस साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। जब हम नाउ पर फोकस करते हैं, तो हम पीस के उस एहसास से कनेक्ट होते हैं जो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होता है, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो। द स्टोइक आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। स्टोइक्स इनर पीस कल्टीवेट करने के तरीके के तौर पर एक्सेप्टेंस की पावर का समर्थन करते हैं। वे समझते थे कि लाइफ चुनौतियों से भरी है और इन चुनौतियों का विरोध करने से हमारा सफरिंग और बढ़ता है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें या खुद को मिजरी भरी लाइफ के लिए रिजाइन कर दें। इसका मतलब है कि जो है उसे बिना किसी जजमेंट या रेजिस्टेंस के एक्नॉलेज करना। जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम रियलिटी के खिलाफ लड़ने के बर्डन से खुद को फ्री कर लेते हैं। यह एक्सेप्टेंस हमें क्लैरिटी और रेजिलियंस के साथ चैलेंजेस को अप्रोच करने की अनुमति देती है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर फाइंडिंग योर सेंटर। टॉले की टीचिंग्स और स्टोइसिज्म दोनों ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स प्रदान करते हैं, जिन्हें हम अपनी डेली लाइव्स में शामिल करके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और ज्यादा इनर पीस पा सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो टॉले के अप्रोच का एक कॉर्नरस्टोन है, इसमें एक कंफर्टेबल पोजिशन में बैठना, अपनी आईज बंद करना और अपना अटेंशन अपनी ब्रेथ पर फोकस करना शामिल है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो थॉट्स जरूर आएंगे, बस उन्हें बिना किसी जजमेंट के एक्नॉलेज करें और जेंटली अपना अटेंशन वापस अपनी ब्रेथ पर ले आएं। यह प्रैक्टिस माइंड को काम करने, एंग्जायटी को कम करने और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने में मदद करती है। स्टोइक्स ने नेगेटिव विजुअलाइजेशन नामक एक टेक्निक डेवलप की थी। इंटीग्रेटिंग माइंडफुलनेस एंड स्टोइसिज्म इनटू डेली लाइफ। इन प्रिंसिपल्स की सबसे खास बात यह है
कि इन्हें बहुत बिजी लाइफ में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। अपने मॉर्निंग रूटीन में कुछ मिनट्स के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन को इनकॉर्पोरेट करके शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका दिन गुजरता है, अपना अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर लाने की प्रैक्टिस करें। अपने आसपास के साइट्स, साउंड्स और सेंसेशंस पर ध्यान दें। जब किसी चैलेंज का सामना करना पड़े तो खुद से पूछें, क्या यह ऐसी चीज है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर नहीं तो एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करें और अपनी एनर्जी उन चीजों पर फोकस करें जो आप सिचुएशन को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए कर सकते हैं। केस स्टडी फाइंडिंग काम इन द कॉर्पोरेट स्टॉर्म। सैरा, जो एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में एक हाई पावर्ड एग्जीक्यूटिव थीं, रोजाना स्ट्रेस का भारी बोझ महसूस करती थीं। वे एंडलेस मीटिंग्स, डिमांडिंग डेडलाइंस और कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करने के प्रेशर के बीच जूझती रहती थीं। उनकी एंग्जाइटी स्पष्ट थी, जिसकी वजह से उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और अपने लव्ड वंस के साथ उनके रिश्तों में तनाव बना रहता था। Desperate for change, I stumbled upon the teachings of Eckhart Tolle and the principles of Stoicism. I began incorporating mindfulness meditation into my morning routine, even if it was just for 5 minutes. I started to notice the moments when my mind would race with anxious thoughts and gently guided my attention back to the present. I also used the Stoic principle of negative visualization to appreciate the good things in my life and develop resilience against potential setbacks. The results were transformative. Your journey to inner peace starts today. Inner peace का जर्नी बस यही है, एक जर्नी। ऐसे दिन आएंगे जब आप चैलेंजेस से इजीली और ग्रेस के साथ गुजर जाएंगे, और ऐसे दिन भी आएंगे जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी को महसूस करेंगे। जरूरी है कि आप खुद के साथ काइंड रहें। इस प्रैक्टिस को पेशेंस और सीखने की विलिंगनेस के साथ अप्रोच करें। याद रखें कि आप इस परस्यूट में अकेले नहीं हैं। हिस्ट्री में अनगिनत लोगों ने माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म की टाइमलेस विजडम में सॉलेस और स्ट्रेंथ पाई है। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप भी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा आसानी से रेजिलियंस और इनर पीस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। अ ब्लूप्रिंट फॉर लास्टिंग ट्रैंक्विलिटी। एक डीप ब्रेथ लें और प्रेजेंट मोमेंट को एक्नॉलेज करें। सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत को छोड़ दें और लाइफ के फ्लो के साथ बहें। एक्सेप्टेंस की पावर को अपनाएं, यह जानते हुए कि चैलेंजेस ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक इनेविटेबल पार्ट है। और सबसे जरूरी है कि खुद के साथ काइंड रहें, क्योंकि आप इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को शुरू कर रहे हैं। इनर पीस का रास्ता प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंपैशन से पेव्ड है। आज ही शुरुआत करें और देखें कि ये प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ पर कितना गहरा इंपैक्ट डाल सकते हैं।